बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम यूनिट 6 कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क काम को कहते हैं, एनर्जी तवानाई को। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और इसका फार्मूला डेराइव करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन, लेटेंट, छुपा हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी मींस छुपी हुई एनर्जी। ऑफन आ बॉडी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क ऑल्दो इट इज एट रेस्ट। अक्सर एक जिस्म में काम करने की सलाहियत होती है अगरचे वो हालत सुकून में हो। द मैसिव बॉल ऑफ डेमोलिशन मशीन, ये मिसमार करने वाली मशीन है, एंड द स्ट्रेच्ड बो पोजेसेस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन। जो तनी हुई कमान है, इन दोनों में तवानाई स्टोर है, जखीरा हुई हुई है ड्यू टू पोजिशन। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक और मिसाल लेते हैं। एन एप्पल ऑन अ ट्री इज केपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल्स। एक सेब अगर दरख्त के साथ लगा हुआ है तो उसमें सलाहियत है काम करने की जब वो नीचे गिरता है। इट पोजेसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन। वो अपनी पोजिशन की वजह से अपने अंदर तवानाई या एनर्जी रखता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजिशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर एनर्जी का जखीरा कर सकता है अपनी पोजिशन के हिसाब से। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, इट हैज़ टू फॉर्म्स, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे स्टोर्ड वाटर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। जखीरा शुदा पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी ऊंचाई की वजह से। इसीलिए पता है आपको, डैम्स बनाते हैं जिनमें पानी जखीरा करते हैं और फिर उससे बिजली बनाते हैं। इसी तरह आप हैमर की एग्जांपल लें, हथौड़ी की। अ हैमर रेज्ड अप टू सम हाइट हैज द एबिलिटी टू डू सम वर्क बिकॉज इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। हम हैमर को ऊपर उठा के कील के ऊपर मारते हैं और जितना ऊपर उठाएंगे वो उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अ स्ट्रेच्ड बो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजिशन। इसी तरह एक तनी हुई कमान में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके तनाव की वजह से, क्योंकि हम उसको जितना खींच सकते हैं खींचते हैं, और फिर व्हेन रिलीज, जब हम उसे छोड़ते हैं, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बो पुशिज द एरो आउट ऑफ इट। तो जो उसके अंदर स्टोर्ड या जखीरा शुदा तवानाई होती है वो पुश करती है और जो तीर है वो बाहर निकल जाता है। जब उसे छोड़ा जाता है तो वो तीर कमान से निकल जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से ये एनर्जी है, तो इसलिए इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इन स्ट्रेच्ड बो। इसी तरह द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी एक हैमर में है या हथौड़े में है वो उसकी हाइट की वजह से है। इसलिए हम जो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द अर्थ सर्फेस। इसकी मिसाल में हैमर है, हमने हाइट पे वाटर स्टोर किया, या एप्पल ट्री से नीचे जब गिरेगा। आपको पता है कि हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ रखी हैं जो लेटेंट होती हैं, दैट मे बी डेवलप्ड। अगर आप उनको डेवलप करें तो यू कैन लीड टू फ्यूचर सक्सेस और यूजफुलनेस। आपने क्या करना है, अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, ऐ महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ, पुकारने वाले की तो उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं और हदायत पाएं। तो अल्लाह ने कहा कि
अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, उनके ज़रिए हमारे से मुखातिब हैं। हम हर नमाज की रकत में अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे, लेकिन हमें चाहिए कि हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि सच का रास्ता, सीधा रास्ता पा सकें, अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह के नबी और अल्लाह से दिल से मोहब्बत करें। हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मैस एम बी रेज्ड अप थ्रू हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉडी जिसका मैस एम है, ज़मीन से एक ऊंचाई एच तक उसे उठाया गया है। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट एच। जितना उसे ऊपर उठाया गया उसके मुताबिक उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू हाइट। आपको पता है कि फोर्स जो है वो वेट है, तो वेट इनटू हाइट पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि वेट का फार्मूला जो है वो एम जी है, वेट इज इक्वल टू एम जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इनटू हाइट। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस 50 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी जिसका मैस 50 kg है, उसे 3 मीटर की हाइट तक ऊपर उठाया गया है, हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि मैस 50 kg है, हाइट 3 मीटर है और जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी की अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी वो है इज इक्वल टू एम जी एच। तो हमने 50 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास 1500 जूल आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg। एक कुवत है 200 न्यूटन की जो 20 kg की बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। द फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट अंटिल इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स। हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फोर्स, मास और वेलोसिटी है और डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इट, और एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ये हम पहले लेसन में फार्मूला सीख चुके हैं। तो एस जो है वो इक्वल है एम वी स्क्वेयर ओवर 2 इंटू एफ। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता है 125 मीटर। आप कॉपी पेंसिल लें, इन वैल्यूज़ को लिखें और खुद से सिंप्लीफाई करें। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए अल्लाह से दुआ मांगें।